रेड स्किन, वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, टैनिंग, ये सारी समस्या को ख़त्म करने के लिए बेस्ट है ये स्क्रब। होममेड ये स्क्रब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसे इस्तेमाल करके आप स्किन की सारी इनप्योरिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं। स्किन पर आपकी एक्स्ट्रा ग्लो आएगा। तो स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 बादाम ले लीजिए, 2 बादाम को घिस लीजिए, पीस लीजिए। उसके बाद आप गुलाब की कुछ पत्तियां ले लीजिए फ्रेश बिल्कुल, उसे भी आप ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद दोनों का पेस्ट तैयार हो जाए तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है बेसन। फुल स्पून बेसन ले लीजिए। बेसन चेहरे पर निखार लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चेहरे पे एक्स्ट्रा निखार लाता है। नेक्स्ट ले लेना है आपको हनी, 1/2 स्पून हनी ले लेना है। हनी से हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, तो 1/2 स्पून ही लेना है आपको हनी। उसके बाद नेक्स्ट लेना है लेमन जूस, इसमें डाल लीजिए आप 1 स्पून लेमन जूस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे अपने फेस पे स्क्रब करना है। उसके बाद अब देखोगे कि आपकी सारी डेड स्किन बिल्कुल फ्रेश हो गई है, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो गई है और आपकी स्किन से सारी गंदगी साफ़ हो गई है। चेहरे पे कैसे एक्स्ट्रा ग्लो आ गया है, आपकी स्किन आपकी क्लीन फ्रेश नज़र आएगी। सारी टैन गंदगी सारी हटाकर आपकी स्किन पे कैसे फ्रेश ग्लो आएगा। डैमेज स्किन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हेल्दी ग्लोइंग स्किन बना देगा आपकी। बस इसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब करिए अपने फेस पर। 2 से 3 मिनट अच्छे से पूरे फेस पर हल्की फिंगर से बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद फेस को डायरेक्ट धुलना नहीं है आपको, पहले तो आप अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने के बाद फेस को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो एक्स्ट्रा आपका पेस्ट बचता है उसे एक्स्ट्रा फेस पे लगा लीजिए। लगाने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दें 10 मिनट। आप उसे लगा के रखिए फेस को 10-15 मिनट सूखने तक को। सूखने के बाद जब आपका पेस्ट सूख जाए बिल्कुल तरह से तो हल्के हाथों से रगड़ के उसे हटा दीजिए। उसके बाद ऑयल फ्री कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लिया है हल्के हाथों से बिल्कुल, और जितने ब्लैक हेड्स हैं मेरे सारे निकल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। स्क्रब करने का यही फ़ायदा होता है कि हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो इसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डेड है तब हफ्ते में 2 बार करिए, नहीं हफ्ते में 1 ही बार करना ज़रूरी होता है। स्क्रब करने के बाद अब इस जो एक्स्ट्रा बचा है वो सारा मैं फेस पे ही पेस्ट लगा लूँगी, क्योंकि वेस्ट एक भी नहीं करूँगी। बहुत ही बढ़िया होता है हमारी स्किन के लिए, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा है सारा फेस पैक के जैसे मैं फेस पे अपने सब अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद इसे छोड़ दूँगी 10-15 मिनट इसे सूखने के लिए। सूखने के बाद अपना फेस क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी कि आप देखोगे कि आज जब भी आप इस तरह का स्क्रब करते हो बना के नेचुरली, आपके स्किन पर कैसे ज़बरदस्त निखार आता है। स्किन कैसे आपकी डेड सेल्स बाहर करके कैसे नेचुरली ग्लो करती है देख सकते हो आप। स्किन कैसे मेरी चमक रही है, कैसे नेचुरली बिल्कुल ग्लो है मेरे फेस पर। तो इसे हफ्ते में 1 बार लगाइए और अपने स्किन क्लीन करिए, साफ करिए, नेचुरली ग्लो लाइए और ब्लैक हेड्स पूरे साफ करके आपकी स्किन पे वाइटनिंग कलर आपका हो जाएगा। तो इसे ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर लाइक करिए। मेरा स्क्रब सूख चुका है तो अब मैं इसे क्लीन करूँगी। लाइक मेरा सूख चुका है और मैंने हल्के हाथों से देखिए हटा भी लिया। अब मैं इसे साफ पानी से धो लूँगी। देख सकते हो कितना नेचुरली ग्लो मेरे फेस पर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।